अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। दोस्तों, रोज़ाना की तरह आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज इस वीडियो में आपको मोहब्बत की एक पावरफुल तावीज़ हिंदी में बताने जा रहा हूँ। लिहाजा आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक बिल्कुल ध्यान से देखें, इसलिए कि बहुत से लोग वीडियो को थोड़ा सा देख करके स्किप कर देते हैं और सारी बात नहीं समझ पाते और बाद में कहते हैं कि तावीज़ कोई फ़ायदा नहीं कर रही है। लिहाजा वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और जिस तरीके से मैं तावीज़ को बताऊं और जिस तरीके से इस्तेमाल करने के लिए बताऊं, बिल्कुल उसी तरीके से आपने करना है और तो इंशाअल्लाह जो तावीज़ है वो ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ मोहब्बत की एक पावरफुल तावीज़ के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आपने करना क्या है, गौर से सुने कि किसी भी टाइम किसी भी वक्त आप इस तावीज़ को बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन बनाने से पहले आपने पाक साफ रहना है, नजिस बिल्कुल भी नहीं रहना है, नजासत की हालत में आपने इस तावीज़ को नहीं बनाना है, पाक साफ होकर के बनाना है, ठीक है। और एक जगह तन्हाई में बैठ करके, बिल्कुल अकेले बैठ करके, एक सफ़ेद कागज़ आपने इस तरीके से ले लेना है और उस सफ़ेद कागज़ के ऊपर जिस तरीके से मैं भी आप तावीज़ बनाऊँ, बिल्कुल उसी तरीके से आपने बनाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने करना क्या है, एक सफ़ेद कागज़ ले लेना, ठीक है। बिल्कुल इस तरीके से आपने तीन खानों वाला नक्श बना लेना, ठीक। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इस नक्श को बनाने की तरफ। आपने बनाना कैसे दोस्तों, सबसे पहले, ठीक है, ये यहाँ यहाँ आपने लिखना है सबसे पहले क्या, सबसे पहले दो, ठीक। इस खाने में आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ जो है वो उर्दू में लिख दिया है, दो है, आप इसे चाहे तो इंग्लिश में यहाँ दो लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इस खाने में आना है, यहाँ यहाँ आपने कितना भरना है, ये है छः, ठीक। ये उर्दू का छः, आप इसे हिंदी में भी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आपने इस खाने में आ जाना है, यहाँ लिखना क्या, ये सात है, ठीक। मैं इसलिए ये अदद बता रहा हूँ आपको ताकि अगर कोई हिंदी में लिखना चाहे तो वो यहाँ हिंदी में लिख सकता है, ये सात है। उसके बाद आपने आ जाना है इस खाने में, ठीक। यहाँ लिखना है आपने कितना, तीन, ये तीन है, ठीक। फिर उसके बाद आपने इस बीच वाले खाने में आना है, यहाँ आपने लिखना है छः, ठीक, ये भी छः है। फिर उसके बाद यहाँ इस खाने में भी आपको छः लिखना है, ठीक। बिल्कुल इसी तरीके से आपने लिखना है, ये छः आपने लिख लिया। और दोस्तों, ये भी याद रहे कि जब आप इस तावीज़ को बनाएं तो जो आपकी परेशानियां हैं या जो मुश्किल है वो आप अपने दिमाग में सोच लें, अपने दिल में सोच लें, यहाँ इस तावीज़ के ऊपर किसी का नाम नहीं लिखना है, ठीक है। सिर्फ आप अपनी परेशानी और प्रॉब्लम को सोच लें कि मेरा महबूब जो है वो मुझसे बातें नहीं कर रहा है, तो उसकी कॉल मेरे पास आए और मेरी मोहब्बत में वो बेचैन और बेकरार हो जाए। अगर मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा करना हो तो मियाँ और बीवी में से कोई भी इस तावीज़ को बना सकता है दूसरे की मोहब्बत को हासिल करने के लिए, ठीक है। अब जो है आपने इसको भर दिया यहाँ, उसके बाद इस खाने में आ जाना है, यहाँ छः, ठीक। उसके बाद इस खाने में आना है, यहाँ लिखना है आपने पाँच, ठीक। फिर आखिरी खाना ये बसता है, आपने इसमें लिख देना है सात, ठीक है। ये नक्शा जो है वो बन करके तैयार हो गया है। दोस्तों, अगर आपको इस नक्शे की इजाज़त लेनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारी तरफ से बिल्कुल इजाज़त मिल जाएगी। और हाँ, अगर आप ये ना कर सकते हो तो सिर्फ नीचे आमीन लिख दीजिए, कमेंट कर दीजिए, हमारी तरफ से बिल्कुल आपको इजाज़त मिल जाएगी। और दोस्तों, आपने इसे करना क्या है, इस्तेमाल कैसे करना है, वो भी ध्यान से सुने। आपने इसे करना ये है कि इस तावीज़ को, यानी किसी पानी में आप कटोरे या प्याले में या गिलास में थोड़ा सा पानी ले लें, या तो सादा पानी हो या उसके अंदर आप शक्कर डाल दें, ठीक है, या दूध हो उसके अंदर आपने इस तावीज़ को डाल देना है, ठीक है।
कुछ देर के लिए, 5 मिनट 10 मिनट के लिए डाल देना है, शरबत हो या सादा पानी हो उसके अंदर डाल देना है, फिर इसको निकाल लेना है, और वो जो पानी होगा या शरबत जो होगा उसे आपने पिलाना है अपने महबूब को। ठीक है, अगर मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत बढ़ानी है तो कोई भी एक दूसरे को पिला सकता है, अगर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हो यानी महबूब और महबूबा आपस में एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ाना चाहते हों तो अगर मुलाकात हो तो आप किसी न किसी तरीके से जो है इस पानी को या शरबत को उसे पिला दें, वो ऐसे आपके पीछे, आपका महबूब हो या हस्बैंड वाइफ की मोहब्बत हो, आपके पीछे समझो कि पागल हो जाएगा, इतनी ज़्यादा उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।